मैं एक आम से नकोश वाली सांवली रंगत वाली आम सी लड़की थी, पर बला की पुरकशिश। मेरी कजन्स सब रंगत में गोरी थी, लेकिन मैं सांवली शरारती और हंसमुख थी। जो भी एक बार मुझसे मिल लेती मेरी पक्की दोस्त बन जाती। सब लड़कियां हैरान होती कि मैं कौन सा ऐसा जादू करती हूँ कि जो भी एक बार मिलता है उसके बाद वो मुझसे फौरन से दोस्ती कर लेता है। खैर, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे रिश्तेदारों में एक शादी हुई, ढोलकी रखी गई तो सब रिश्तेदारों को बुलाया गया। हम सब कजिन्स ने खूब गीत गाए, खूब हल्ला गुला किया, खूब नाचे। वहां पर हम सब एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते रहे। वहां कुछ कजिन्स जो कि करीबी रिश्तेदार थे, उनमें से एक लड़का भी था जो बहुत खूबसूरत हैंडसम नौजवान था। उसकी नजरें सारे इवेंट में मेरी तरफ ही थीं और मुझे भी महसूस हो रहा था। खाना लगा तो सब खाना खाने लगे। उसने मुझे मुखातिब करके बोला, आप मुझे बिरयानी ला देंगी? वो उस साइड पर गरम बिरयानी है। मैंने कहा, जी जरूर, मैं आपको ला देती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए चली गई और उसको बिरयानी डालकर देने के लिए आगे बढ़ी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। वो मेरे पीछे आ रहा था, मेरी तरफ लपका और मुझे आवाज़ देकर रुकने का बोला। मैं समझी कि शायद कुछ और भी चाहिए होगा उसे। वो पास आकर बोला, मैं आपको रोज ही देखता हूँ पर बात नहीं कर पा रहा, आप थोड़ी सी देर के लिए एक तरफ हो जाएंगी, मेरी बात सुन सकती हैं प्लीज? मैं काफी हैरान थी कि इसने ऐसी क्या बात करनी है मुझसे, लेकिन दिल में कुछ खुश भी थी कि शायद वो मेरी तरफ कुछ इंटरेस्ट शो कर रहा है, क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत, तो कोई भी लड़की उसकी तरफ मायल हो सकती थी। मैंने कहा, जी जरूर, चलें उस साइड पर चलते हैं। हम वहां गए और वो मेरे काफी करीब आकर मेरी आंखों में बहुत गौर से देखने लगा। मुझे कुछ अजीब सा भी लगा और शर्म भी आने लगी। कुछ देर वो मुझे खामोशी से देखता रहा। मुझे तो जैसे पसीना सा आने लगा और दिल धड़कने लगा और मेरे हाथ बहुत बुरे तरीके से कांपना शुरू हो गए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने फौरन से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो आहिस्ता से मेरे करीब आकर बोला, मत घबराओ, मैं हूँ ना, मुझे गलत मत समझना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी शरारती चमकती आँखें, चहकना और बहुत प्यार से बोलना सब कितना दिलकश है, मैं सारी रात तुम्हें सोचता हूँ, मुझसे बात कर लो प्लीज़, अपना नंबर दे दो और मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं बहुत घबरा गई और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये सब अच्छा भी लग रहा था और बहुत परेशानी भी हो रही थी। खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात मेरे चेहरे पर साफ आया थे। वो मुझे देखकर बहुत प्यार से मुस्करा रहा था, फिर आगे बढ़ा और मेरी आंखों पर प्यार करके आगे बढ़ गया। मैं हैरत से उसे देख रही थी कि उसने कैसे मेरी आंखों को चूमा। उसे कोई खौफ नहीं था कि कोई देख लेगा। और वो इवेंट ख़त्म हो गया। कुछ दिनों के बाद उसका मैसेज आया और हमारी बात होना शुरू हो गई। बहुत अच्छे से हमारी बात होती और आहिस्ता आहिस्ता हमें प्यार होने लगा। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं भी बहुत खुश हुई कि चलो ठीक है, बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है और मुझसे तो बहुत बेहतर है। हम दोनों ने चुपके चुपके मिलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को गिफ्ट्स देना स्टार्ट कर दिया। एक दिन उसके वालदैन हमारे घर आए हुए थे और मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी।
जब मैं अंदर उनको सलाम करने के लिए गई तो आंटी मेरी अम्मी से कह रही थी कि आपने मेरे बेटे की शादी में लाजमी आना है। ये बात तो जैसे मेरे ऊपर बिजली बन के गिरी। वो कह रही थी कि बहुत बड़े ख़ानदान से ला रही हूँ बहू और बहुत पढ़ी लिखी बेहद खूबसूरत है। ये सुनते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि शायद पैरों तले ज़मीन ही नहीं है। मैंने उसे फ़ौरन कॉल मिलाई लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं रिसीव की। कैसे रिसीव करता, वो तो धोखा दे रहा था मुझे। मेरी तो हालत देखने वाली नहीं थी, वो मेरे साथ टाइम पास करता रहा। इसी डिप्रेशन में मैं बहुत बीमार हो गई। अब ना तो मैं वैसे ही चुलबुली थी, ना कहीं आना जाना था, क्योंकि मेरा शायद इंसानों से इत्तबार ही उठ गया था और ख़ासकर मर्द जात से। इस तरह के मर्द सिर्फ एक शराब है, दूर से अच्छा लगने वाले शराब।